साथियों, बहुत लंबे अंतराल के बाद हम लोग मिल रहे हैं और ये साफ जाहिर भी है कि हम लोग की उपस्थिति को देखते हुए कि फिजिकल मीटिंग्स का चलन भी थोड़ा लग रहा है कि खास करके दिल्ली में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन बात से कितनी नहीं है। और इसके बावजूद शॉर्ट नोटिस था, सूचनाएं कम थी, इसके बाद भी बाहर से दूर दराज से लोग आए हैं और कई लोगों के कंफर्मेशन अभी भी हैं जो रास्ते में हैं और तो वो लोग भी अभी आएंगे। लेकिन अभी हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि एक इस अंतराल के बाद जब हम लोग दो साल पहले हम लोगों ने तय किया था 10वें स्टॉक एक्सचेंज कन्वेंशन का, 20 मार्च 2020, लेकिन उससे लेकर के अभी 2022 हो गया और उसी समय अनफॉर्चुनेटली ये कोविड का एक पैंडेमिक का असर हुआ और फिर करीब करीब सारी चीज़ें लॉकडाउन हो गई। इन सारी चीज़ों से आप लोग भली भांति से वाकिफ हैं, उसमें हम लोगों ने जो खोया है उससे भी सब लोग वाकिफ हैं। अमरीश भाई नहीं रहे, साथ साथ और कई साथी भी नहीं रहे इस पूरे दौर में, ये हम लोग सब लोग जानते हैं कि अमरीश भाई का जाना इत्तेफाक नहीं था और पूरी तरह से यह कहा जाए कि सिस्टम का फेल्योर, जो हम लोग जिसकी बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का फेल्योर, वो इन प्लेस ना होना बेसिकली ये बात, और उससे भी बड़ी बात पॉलिसीज, अनरियलिस्टिक पॉलिसीज जो जमीन पे उतरती थी वो किसी बंद कमरे में फाइल में पड़ी थी। तो ये जो हेल्थ है या शिक्षा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है या इस तरह की तमाम चीजें, इसमें जिस तरीके से सरकार भी काम करती है और जिस तरीके से वो एक व्यापक जनता को इग्नोर करके, उनको नजरअंदाज करके एक छोटे से समूह के लिए काम इस लोकतंत्र में जिस तरीके से वो कर रही है, उसका नतीजा था यह कोविड पीरियड में लोगों का असमय चलेगा और उसके असर अभी तक दिख रहे हैं। लेकिन सरकार को उसके बाद भी उन्होंने संसद तक में यह बयान दिया कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी या इस तरह की तमाम चीजें, उनके पास कोई आंकड़े नहीं थे। जो लोग यहाँ से माइग्रेट करके गए और बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के तमाम जगहों पे जो लोग माइग्रेशन करके गए उस दौर में बड़ी मुश्किलों से, उसके बारे में भी सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं। सरकार के पास महिलाओं के जो वर्किंग वीमेन है या बाकी उन लोगों की सुरक्षा का, उन लोगों के बाकी जो उनके राइट्स हैं उसके लिए, उसके पास उनका उसके लिए भी कोई आंकड़ा नहीं। सरकार के पास अपने नागरिकों के लिए कोई आंकड़ा नहीं और ये बाकायदा वो संसद में बयान देते हैं। सरकार के पास चाइल्ड राइट्स को लेकर के बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, वो चाइल्ड राइट्स की बातें हो रही हैं सरकार की तरफ से भी हो रही हैं, लेकिन उनके पास कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, कितने बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं और क्या अभी कोविड के पीरियड में क्या उनके लिए किया गया है, क्या हो रहा है, इसके बारे में भी सरकार को कुछ पता नहीं। रिपोर्ट्स आ रही है, रिपोर्ट्स अपने आप में कंट्राडिक्टरी है, जो सरकार की रिपोर्ट है उसकी बात है। और इस तरह से हम लोग सिविल सोसाइटीज के रूप में जो नागरिक समूह हैं उन लोगों ने भी बहुत सारी रिपोर्ट्स निकाली, चाहे वो अजीत जी फैमिली फाउंडेशन हो या असर की रिपोर्ट हो या बाकी इस तरह की तमाम जो अलग अलग जगहों पे काम करने वाले जो है BGTS जैसे जो मास ऑर्गेनाइजेशन है उनकी रिपोर्ट्स हो। मलाला फंड ने बीच में अपने सहयोग से कई राज्यों में खास करके बालिका शिक्षा को देखते हुए उसमें जो रिपोर्ट निकाली गई वो सारी चीजें, फोरम की अपने जो सर्वेस थे और उससे जुड़ी हुई जो रिपोर्ट्स थे उसमें तमाम दिशागतियां रेखांकित की, लेकिन सरकार के पास ये रिपोर्ट या तो पहुंचती नहीं है या पहुंचने के बाद वो ठंडे बस्ते में चली जाती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस लंबी अवधि के बाद जो हम लोग स्टॉक एक्सचेंज कन्वेंशन के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और
बेसिकली आप लोगों को सबको ये पता है कि इससे पहले जब भी स्टॉक टेकिंग हुआ करती थी तो इसी जगह पे हम लोग काफी संख्या में इकट्ठे होते थे, और अभी उसका एक असर उसका भी दिख रहा है कि हम लोगों की संख्या थोड़ी कम है। लेकिन मैं इसको एक पॉजिटिव नोट पे लेता हूँ, एक सकारात्मक रुख ये है कि इसके बावजूद फोरम की ताकत यह है कि आप तमाम लोग आए, महाराष्ट्र से हमारे साथी हैं, बिहार से साथी हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, हमारे उड़ीसा से साथी हैं, मध्य प्रदेश से जो साथी हैं, उत्तराखंड में थे वो अभी रास्ते में है, शायद उधर तक आएंगे। इसके अलावा हमारे जो दूर के साथी हैं तमिलनाडु से, पांडिचेरी से, विक्टर भी रास्ते में, वो भी आने वाले हैं। कोमुनामूर्ति जी हैं आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से मुरली भाई हैं, इस तरह के तमाम साथी हैं जो यहाँ पे इकट्ठे हुए। ये फोरम की एक ताकत है, ये लोग आप सब लोग फोरम की एक ताकत है। गौतम दा जैसे वरिष्ठ साथी किसी आकस्मिक वजह से कल उनकी उनसे भी बात हुई तो नहीं आ पाए, आत्रेय जी नहीं आ पाए कुछ हिमाचल से, इस कुछ कुछ साथी आने की इच्छा रखते हुए भी आ नहीं पाए उसकी अलग अलग दिक्कतों की वजह से। लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इसके बावजूद हम लोग जो लोग हैं यहाँ पर, जिस ताकत के साथ हम लोग यहाँ पे अभी फिर भी खड़े हैं, ये बताता है कि हम लोग बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, उनके बच्चों के शिक्षा के यूनिवर्सलाइजेशन के लिए, लोक व्यापीकरण के लिए जो मुहिम है वो हमें यहाँ पे तय करके और हमें राज्यों में ले जाने की पड़ेगी, और राज्यों के भीतर हमें उसे फैलाना और जमीन पर उस पर उतर करके हमें काम करना पड़ेगा, तब फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। और बच्चों की शिक्षा का जो मामला है, बच्चों की शिक्षा का मतलब सिर्फ शिक्षा नहीं है, शिक्षा को केंद्र में रखते हुए एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर जीवन, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो अनुपालन है उसको सुनिश्चित करना असल उद्देश्य है। और जो तमाम इस तरह की धाराएं हैं, जो भी प्रगतिकामी धाराएं हैं, जो शांतिकामी धाराएं हैं, वो तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में किस तरह से काम कर सकती है और कैसे जमीन पे उतर करके और उसके साथ साथ एक जनता के बीच में कैसे गोलबंदी कर सकती है, ये असल में काम है। जबकि हम जानते हैं कि शिक्षा पे बजट लगातार कम होता जा रहा है और तमाम हमारे जो जितने भी हमारे मेमोरेंडम्स हैं, ज्ञापन है, बाकी जो भी पहलकदमी है, लेकिन उसके बावजूद शिक्षा पे बजट कम हो रहा है, शिक्षा पे खर्च कम हो रहा है, और ये सोच समझ करके की जाने वाली बात है। सरकार को मालूम है कि ICDS की क्या पोजीशन है, सरकार को मालूम है कि हायर सेकेंडरी की क्या पोजीशन है, इसमें दलित, आदिवासी, हमारे माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक, ये जो डिसेबल बच्चे हैं, इस तरह के तमाम जो हाशिए के जो समुदाय हैं उनकी क्या स्थिति है सरकार को मालूम है। लेकिन इसके बावजूद सरकार अगर सचेत नहीं है और सरकार की जो जवाबदेही है अगर वो पूरा नहीं करती है तो हमें इस बात के लिए एक संकल्प करना होगा कि हम लोग किस तरह से एक इसको पब्लिक मूवमेंट में, एक जन आंदोलन में कैसे तब्दील करें। और यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनसे हमेशा से ये उम्मीद रही है कि वो किसी भी रूप में यहाँ से जब जाएंगे तो अपने अपने राज्यों में जा करके और फिर वहां पर जो प्रक्रिया शुरू करेंगे, असल में वही प्रक्रिया फोरम को स्ट्रेंथन करेगा, उसको सशक्त करेगा। असम जैसे प्रांत से जो कि काफी अनरेस्ट में रहा है, अशांत इलाकों में गिना जाता है, लेकिन वहां से हमारे साथी हैं, टी गार्डन जैसे मुश्किल परिस्थितियों में काम करने वाले साथी, उससे हमारे साथी यहाँ पे सुब्रत हैं जो यंग आसाम उनका एक संगठन है, उससे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोहनिता है, गुरलोचन है, तो ये सारे साथी जो हैं उससे मैं गुजारिश मैं करूँगा।
कहूंगा कि जब यहाँ से लौटे हम लोग अपनी बातचीत करके आगे जो सेशन होंगे उसमें हम लोग न केवल शिक्षा के अधिकार पे व्यापक तरीके से बात करेंगे बल्कि हम लोग चैलेंजेस पे बात करेंगे कि किस तरह से सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आड़ में जो भी अधिकार अभी तक बच्चों को मिले हैं उसको भी खात्मा करने की तैयारी में है और वो जगह जगह उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। हम अपनी जगह कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं अपनी चीजों को ये दिगर बात है, लेकिन सरकार जो कर रही है वो बच्चों के व्यापक हितों के खिलाफ है। तो हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा, इस चीज को हमें रेखांकित करते हुए अपने काम काज में उसको दिखाना पड़ेगा। मैं इस पर ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब जो तमाम मुद्दे हैं उसमें एक प्राइवेटाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन का मुद्दा है जो कि हर चीज निजीकरण की तरफ बढ़ रही है और बताया जा रहा है कि निजीकरण के कितने फायदे हैं, सरकार की तरफ से ये बताया जा रहा है, लेकिन हम लोग अपने निजी जीवन में भी और सामूहिक जीवन में भी हम लोग महसूस कर पा रहे हैं कि निजीकरण के क्या फायदे और क्या नुकसान है। तमाम जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे फीसें बढ़ रही है और ये और वो फीस ऐसी है जिससे कि सारे लोग जो एक तबके के लोग व्यापक तबके के लोग वो उससे बाहर हो जाए, चाहे वो IIT हो IIM हो या अन्य जो विश्वविद्यालय है उससे जो जहां तक बच्चों के शिक्षा का मामला है उसमें देखिए कि कितने सारे बच्चे इस पूरे रणनीति से किस तरह से वो बाहर, ऑनलाइन का जमाना शुरू हो गया और आप देख ही रहे हैं कि जो कोचिंग सेंटर्स के जो करता धरता है वो उनके बारे में प्रचारित हो रहा है कि वो काफी मतलब एक तरह से उनको शिक्षा भी बना दिया है, यानी शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है उसको छोड़ करके इस तरह के प्रचार चल रहे हैं। बालिका शिक्षा वाले मामले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हश्र सबको मालूम है। इसी तरह से मुझे लगता है ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं जिसपे हम लोग बात करेंगे। अभी हमारे जो भी राज्यों से साथी हैं अलग अलग सेशन में अभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक स्टॉक टेकिंग कन्वेंशन के लिए हम लोग हमेशा एक रिपोर्ट रिलीज करते थे, उसका एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे अंजना जी हैं वो करेंगी और जो प्रोसीडिंग्स यहाँ पे चलेगी पूरे दिन भर उसको फिर मुकम्मल तरीके से उसमें शामिल करके फिर हम एक स्टॉक टेकिंग रिपोर्ट को फाइनलाइज करके और फिर आप लोग सबों से शेयर करेंगे, आपका फीडबैक लेंगे और तब फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत ही भारी मन से अमरीश भाई बीच में नहीं है उनको एक बार फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और इस बात को याद रखते हुए कि हमारा सपना एक व्यापक लोकतंत्र को कैसे जमीन पे उतारना है ये है और उसके लिए हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे और एक नारा हुआ करता था हमारा लोकतंत्र की यही परीक्षा सबको शिक्षा समान शिक्षा। तो ये इस नारे को लेकर के हम लोग चलेंगे। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ पानी बिजली सड़क नहीं है और सिर्फ विकास के वो मायने नहीं है जो अभी हम लोग को बताया गया है। तो कैसे शिक्षा केंद्र में हो और कैसे शिक्षा एक राजनीतिक सवाल बने एक मुद्दा बने उसको लेकर के कैसे हम लोग चलेंगे ये मूलभूत सवाल है। तो इसी के साथ मैं अभी इस सेशन के लिए एंजेला है उनको मैं आमंत्रित करता हूँ रिपोर्ट के लिए, वो प्रेजेंट करेंगी। अनिता रामपाल जी हैं उनसे गुजारिश है कि वो इस सेशन को उनको बीच में जाना है लेकिन इस सेशन को जब तक वो हैं मेरे ख्याल से ये सेशन एक घंटे का होगा, अगर वो उतना समय दे पाए तो अभी उनको चेयर के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ। अनिता जी हैं साथ ही हमारे मुरली भाई हैं तेलंगाना से उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि इस सेशन में वो आए और अपने अपनी बातें रखें। अनिल जी हैं डॉक्टर अनिल राय बिहार से उनसे भी गुजारिश है कि वो भी आए और अपनी बात करें। मधुकर जी हैं महाराष्ट्र आर्टिक फोरम से उनसे भी गुजारिश है कि कृपया मंच में
आयोजित करें और साथ ही हम लोग